सॉल्यूशंस के बारे में आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मैंने इस पे बहुत ही डिटेल वीडियो किया है कि जो ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है लोगों को, वो कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और एक्चुअली अभी आज का मेजर इशू है, ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, मिल ही नहीं रहा है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं हर जगह एंड और बहुत महंगे बहुत भेजे सारे जाते हैं। या सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चेंबर्स होते हैं, उसमें इंस्टेड ऑफ वेंटिलेटर पे आपके लंग में घुसाने के बदले ऑक्सीजन वो लोग टिश्यू से ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंचा रहे हैं। और इस पे भी स्टडी हुई है, देखा गया है कि वो कैसे कोविड पेशेंट्स की मदद कर सकता है। सो माय पॉइंट इज के हमारे पास सिर्फ ये बताया गया है कि सिर्फ वैक्सीन, मास्क और लॉकडाउन ही हमारा प्रोटेक्शन है, और इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। बट मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर आप जाके इस पर रिसर्च करोगे, आप अगर मेरे चैनल पर जाके वो डिटेल वीडियो देखोगे, मैंने लिटरली 1 hour 20 minutes का वीडियो बनाया है कि कौन से स्ट्रेटजीज यूज करके घर पे हम इसका रिस्क टोटली स्लैश कर सकते हैं और हॉस्पिटल जाने की जरूरत है भी नहीं। और अगर हॉस्पिटल में किसी को जाना पड़ रहा है, अगर उसकी हालत घर पर मैनेज नहीं हो रहा या वो प्रिवेंशन नहीं लिया उन्होंने, जाना पड़ रहा है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर भी डॉक्टर्स बेटर प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात की है। आई वुड जस्ट से कि हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन अवेलेबल है। ये वायरस डेथ सेंटेंस नहीं है, हमें बेसिकली बताया गया है कि इसका कोई क्योर नहीं है वगैरह, ताकि ये लोग वैक्सीन पुश कर पाए। आपको इल्यूजन देखे कि इसका कोई क्योर नहीं है और बेसिकली अगर कोई जाता है तो उसका आने का चांस बहुत कम है, पर हमने रिकवरी रेट भी देखा है, इसका रिकवरी रेट भी 90% से इसका ऊपर है, राइट। तो ये वायरस कोई डेथ सेंटेंस नहीं है और हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। और जहां तक वायरस की डेडलीनेस की बात है, मुझे उसके बारे में भी बात करनी थी, मेन पॉइंट कि हम क्यों बोल रहे हैं वायरस डेडली नहीं है और मोस्ट लोगों के लिए एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि जो स्टडीज की गई है जहां पे ये लोग एंटीबॉडीज मेजर करते हैं, मतलब आप जब वायरस के कांटेक्ट में आते हो, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका डिफेंस है, वो एंटीबॉडी बनाता है। सो जब ये देखा गया है कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज बनी है ऑलरेडी वैक्सीन के बिना, इन्होंने ये पाया है कि वायरस का जो डेथ रेट है ये ऑलमोस्ट 50 कंट्री में एवरेज 0.27 है इसका डेथ रेट। ओके, इतना लोड मतलब 99. आप सोच सकते हो 6-7% लोग इससे सुरक्षित है, सिर्फ 0.27% लोग इससे मरते हैं। और अगर आप उसको एज से एडजस्ट करोगे तो अंडर 70 का जो है डेथ रेट वो 0.05, मतलब मोस्ट लोग जो देख रहे हैं वो अंडर 70 है, तो आपका इस वायरस से मरने का चांस 0.05% है। तो पर्सनली आपके बारे में सोचो, आपका एक्सीडेंट से मरने का और रिस्क है, आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, आपका पर्सनली मरने का रिस्क उससे ज्यादा है, तो भी आपको इसी चलाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज समथिंग पीपल प्रैक्टिकली अबाउट, कितने छोटे थ्रेट को इतना एग्जैजरेट क्यों किया गया, राइट। पता है योहान, मैं बहुत आई नो इट्स जो मैं बोलने वाला बहुत अलग टॉपिक का है, बट पता है दुनिया में किसी की कमी है, प्यार की कमी है, लोगों में प्यार कम हो गया बहुत ज्यादा, एक दूसरे के लिए बहुत कम हो गया, लोग ज्यादा सेल्फिशनेस की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत इजीली हो रहा है प्रॉब्लम। जब लोगों का विश्वास आएगा एक साथ रहने में और प्यार में, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद करना, चाहे आप किसी को नहीं भी पसंद करते आप फिर भी मदद तो कर ही सकते हो, लोग ये भी नहीं कर रहे हैं, लोग लिटरली आजकल एक दूसरे को ऐसा ट्रीट करें जैसे सब अछूत अनटचेबल है, और ये बहुत अजीब हो रहा है मेरे को देख के, ऐसे दुश्मन। मैं बहुत गंदा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, आई एम श्योर काफी काफी के साथ होगा। मम्मी नीचे वॉक कर रही है आराम से, ये जब शुरू शुरू में लॉकडाउन शुरू हुआ था, लोगों के अंदर इतना डर इतना पैनिक, मम्मी वॉक कर रही है, फोर्थ फ्लोर से किसी ने ऊपर से बाल्टी पानी भर के मम्मी के ऊपर फेंक दिया व्हाइल शी इज वॉकिंग, एंड देन मम्मी डिडंट टेल मी बिकॉज मम्मी मुझे बताती तो मैं एकदम भाग गया था, ये क्या है, मैं फिर वहां डील करता पर्सन के साथ, मम्मी ने नहीं बताया, मम्मी ने अकेले डील किया उसके साथ, बट मैं बता रहा हूँ लोगों का पैनिक लेवल कितना है कि वो एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं, और वो जैसे एवरीथिंग दैट यू सेइंग योहान, पीपल नीड टू नो दिस, अगर लोग इनसेट की एक दूसरे को दुश्मनी में एनर्जी डाले, इन चीजों में एनर्जी डाले, जैसे योहान आपको समझा रहे हैं उसको एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आपको अभी कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, वी आर गोना अपलोड द वीडियो, यू कैन वॉच इट देयर, बट गाइस प्लीज 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 टेक दिस सीरियसली, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम कर रहे हैं आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, आपके जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप सबके साथ शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं सारे फैक्ट्स हैं, ये एक अनक्वेश्चनेबल चीजें हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जिसका रिसर्च ऑनलाइन है जो हम शेयर करेंगे आप सबके साथ, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव, बिकॉज दैट इज दी ओनली वे कि हम ये जल्दी खत्म कर सकते हैं सारा कुछ, और लव के थ्रू आपको टू थ्री समझ आ जाएगा सारा जो भी है। लव इज द वे, मैन आई एग्री विद यू, सफरिंग फ्रॉम अ क्राइसिस जहां पे हमारे पास एम्पैथी नहीं है, हम अपने आप को दूसरों के शूज में डाल नहीं पा रहे, हम ये परवाह नहीं कर रहे कि दूसरे लोग क्या गुजर रहे, इसलिए माइंडसेट है ना, मतलब मोस्ट लोग जो इसके बारे में परवाह नहीं कर रहे, दे आर मोस्टली पीपल जिनको ऑनलाइन सैलरी मिल रही है, वो घर पे रोज बैठ के जोमैटो मंगवा रहे हैं, दे आर कंप्लेसेंट, बट बिकॉज हम जो मेजर्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उससे इतने सारे लोगों के जॉब लॉसेस हो रहे हैं, इतने सारे लोगों के बिजनेस जा रहे हैं, सो मेनी पीपल आर बीइंग पुश्ड इनटू पॉवर्टी। अभी रिसेंट रिपोर्ट आया है कि मतलब बहुत ही लास्ट परसेंट जो भारत का मिडिल क्लास था वो अभी पॉवर्टी में शिफ्ट हुआ है। सो दिस थिंग आर हैपनिंग, जो लोग एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने आइवरी टावर्स में बैठ के जो लोग प्रिविलेज है उनको अभी दिख नहीं रहा, बट माय पॉइंट इज कि अगर ये चीज चलती रही कंटिन्यूसली, सो इट इज गोइंग टू कम फॉर ऑल ऑफ अस, मे बी इसके बारे में हम कॉन्वर्सेशन के एंड में बात कर सकते हैं, इसका एंड गेम क्या है।